जानते संस्थान की एक शानदार मुहिम है कि हम हमारे समाज को बुराइयों से दूर कर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। उसी कड़ी में पिछले कुछ सालों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, विशेष रूप से दिसंबर के अंत में, क्योंकि यह माना जाता है कि दिसंबर साल का अंत होता है, पूरे साल की समीक्षा की जाती है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या हमारी कमियां रही, तो उन कमियों की समीक्षा करके नए साल में उन कमियों को दूर किया जाए और कुछ नए संकल्प लिए जाए जिससे कि हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे। युवा जागृति संस्थान न केवल राज्य स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित नाम है। अभी हाल ही में G20 समरसता अवार्ड जो भाई गोकुल जी को मिला है, उसके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। गोकुल जी ने भारत के नाम को वैश्विक पटल पर उभारा है और मानसूर जैसे छोटे से कस्बे को एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अच्छा नाम दिया है। यह हमारे लिए सभी के लिए गौरव की बात है। युवा जागृति संस्थान 2002 में जब इसका निर्माण हुआ तो मैं और गोकुल जी दो चार साथी और थे, हम छह जनों ने इसका निर्माण सिर्फ एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे क्रिकेट खेलने के बाद, तो हमारे मन में आया कि समाज के लिए कुछ किया जाए, तो हमने उसी दिन ठान लिया कि एक ऐसा संस्थान बनाए जो समाज के विकास में समाज की कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दे। उस समय हम 12वीं कक्षा में अध्ययनरत थे, तो हमने उसी समय गर्मी की छुट्टियों में एक संस्थान बनाया, अलवर गए, सहकारी समिति से उसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद से इस संस्थान ने पीछे मुड़के नहीं देखा और एक शानदार नाम, एक शानदार मुकाम इस क्षेत्र में हासिल किया है। अब जैसा कि पीछे पोस्टर लगा हुआ है वो आप सभी से संबंधित है, बड़ी खुशी है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा पुरुषों की कम है, ये अच्छा लक्षण है। एक समय था जब भारत में पितृसत्तात्मक समाज था, मैं था का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि अब स्थितियां बदल रही हैं, महिलाओं को परिवार में एक अच्छा सम्मानजनक स्थान दिया जा रहा है, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो उससे दो परिवार शिक्षित होते हैं, एक पीहर का, एक जिस घर में वो जाएगी वहां की बेटियां बेटे जो भी हैं उनको भी शिक्षित करने में अपना योगदान देगी। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य आप सभी को ये कहना है कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें और आप सभी से भी मेरी यही निवेदन रहेगा कि बीते वर्ष में आप सभी ने जो कुछ भी आपकी कमियां रही उनकी समीक्षा कीजिए, निरंतर आगे बढ़िए, नए साल में नए संकल्प लेकर उनको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। आप सभी को उदाहरण बताता हूं, जैसा कि गोकुल जी ने बताया था कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर नया वर्ष मनाएं और आगे बढ़े। आगामी 12 जनवरी को एक बहुत ही महान विभूति का जन्मदिन है, बता सकता है कोई? स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जान रहे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जिसका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, उसके पिताजी का नाम था विशंबरनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता के बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत नामी थे, लेकिन उन्होंने जितना भी कमाया वो सब समाज के ऊपर खर्च कर दिया, कुछ जोड़ा नहीं। संयोग क्या था कि एक दिन अचानक वो इस दुनिया से चल बसे। स्वामी विवेकानंद उस समय 15-16 वर्ष के थे और उनका ध्यान कमाने की वजह आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाता था, तो बंगाल में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। अब उनके परिवार में विपत्ति आ गई, कमाने वाला कोई रहा नहीं, जोड़ा पैसा था नहीं, तो समस्या हो गई और स्वामी विवेकानंद इधर मठों में रामकृष्ण मिशन में इधर घूमते रहते थे, तो जब वो घर आए
छोटे भाई और मैंने उम्र का के दादा आ गए, दादा आ गए। तो उनकी माँ ने उनको समझाया कि बेटा अब तेरे पिताजी है नहीं, परिवार की सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर आ गई हैं। तो उसने कहा कि माँ चिंता मत कर, अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है। तो उसकी माँ ने एक लाइन कही कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि तू बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा मत हो जाना कि तुझे दुलारने के लिए तेरे माँ का हाथ तेरे सर तक नहीं पहुंच रहा है। तो हम कितनी ही प्रगति करें, कितनी ही उन्नति करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर, केवल विकसित या उन्नति के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण नहीं करें, अपनी नई पीढ़ियों को संस्कार दें, उन्हें इस लायक बनाए कि एक अच्छे और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके, एक लक्ष्य बनाए। यहां जो लोग बैठे हैं, कुछ बच्चियां बैठी हैं, उनसे मेरा यही आह्वान है कि वो पढ़े, पढ़ लिखकर आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करें। आप सभी से मेरा यह आह्वान है कि अपने बेटे बेटियों को उस क्षेत्र में जाने दें जिस क्षेत्र में वो जाने देना चाहते हैं। गोकुल जी ने हमें आमंत्रित किया एक बहुत ही शानदार आयोजन के लिए, गोकुल जी को एक बार पुनः और युवा जागृति संस्थान की पूरी टीम को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, कहीं भी रुके नहीं। बशीर बद्र ने कहीं लिखा था कि मिल गई हो अगर मंजिल तो नहीं मंजिल तलाश कर, मिल गया हो अगर दरिया तो समुन्दर तलाश कर, और यूं तो टूटता है हर एक शीशा पत्थर की चोट से, जो खुद पत्थर को तोड़ दे ऐसा शीशा तलाश कर, जो खुद पत्थर को तोड़ दे ऐसा शीशा तलाश कर। धन्यवाद।